ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर सबसे बड़े वाले ब्रेड लिए हैं, 5 स्लाइसेस है। एक मैंने मीडियम आकार का प्याज काट के यहाँ पे रख लिया है। 4 चम्मच मैंने बड़े चम्मच से मैदा लिया है। 4 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। 1 मैंने शिमला मिर्च ली है। 1 मीडियम आकार का मैंने टमाटर लिया है। थोड़े से रफली चॉप करके मैंने यहाँ पर धनिया पत्ते ली है। 3 मैंने हरी मिर्च छोटी छोटी ली हुई है। गरम मसाला आधा चम्मच लिया है। आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है। आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। स्वाद अनुसार नमक, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सेजवान चटनी लिया है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी लिया है और तलने में जितना तेल यूज होगा। सबसे पहले हम ब्रेड को ज़्यादा नहीं, बस हल्के हल्के डिप करके ब्रेड को इस तरह से पूरे पानी को इसका निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पकौड़ा बनाना है इसलिए हमें ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम सारे ब्रेड को कर लेते हैं। देखिए मैंने सारे ब्रेड के पानी को निकाल के अच्छी तरह से पूरी तरह से निकाल लिया है पानी को। अब इसमें हम ये जो मैंने शिमला मिर्च लिया है इसे हम छोटे छोटे पीसेस करके इसमें काट कर डालेंगे। ये बीच का जो पार्ट है ये हमें नहीं डालना है, इसे हमें निकाल के अलग कर देना है। देखिए मैंने शिमला मिर्च काट लिए हैं। अब मैं ये छोटे छोटे इसके मिर्च के भी टुकड़े इस तरह से, अगर आप गोटा मिर्च का नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके जगह मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर को भी छोटे छोटे कट करके इसमें डालूंगी। देखिए मैं टमाटर को काट के डाल लिया। अब इसमें हम ये प्याज जो मैंने चॉप करके रखा था वो इसमें हम डाल देते हैं। अब ये गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और जो ये सेजवान चटनी, ये मेरा होममेड सेजवान चटनी है। अब इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे। ये चावल का आटा जो मैंने लिया था। मैदा हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, जितने हमें ज़रूरत होगी, एक ही साथ पूरा मैदा ना डालें। इस तरह से हमें हाथों से मिक्स कर लेना अच्छे से। अब देखिए मैंने अच्छे तरह से सारे बैटर को मिक्स कर लिया है। अब हमें ज़्यादा मैदे की इसमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने मैदा छोड़ दिया है। मैंने पैन को गैस पर चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम तेल डालेंगे जितने हमें ज़रूरत होगी तलने में। देखिए इस तरह से मैंने गोल गोल कर लिया है। आप इसे कोई भी शेप देना चाहें, ओवल शेप देना चाहें, इस तरह से गोल करना चाहिए, इसका गोल पेड़ा इस तरह से आप बना लें और इसे तेज आंच पर फ्राई करें ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पर तेज आंच पर ही फ्राई कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। डीप फ्राई कर रही हूँ मैं। अब देखिए पूरे अच्छी तरह से ये मेरा डीप फ्राई हो गया, पक गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। पकौड़ा बनकर पूरी तरह से तैयार है। कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।